नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही है और आज ही सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी भी राहत के इंतजार में है। सिसोदिया से सीबीआई 5 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी सुनवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद नंबर 2 की भूमिका निभा चुके और 33 में से 18 विभाग देख चुके मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई के हाथों गिरफ्तार कर दिया गया था। 2021-22 की शराब नीति में धांधली के गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। 5 दिन से सिसोदिया से सीबीआई शराब नीति से जुड़ा हर सवाल कर रही है और आज पारी दोबारा सिसोदिया को सीबीआई की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करने की है। सिसोदिया को आज राहत या आफत, सिसोदिया को बेल मिलेगी या जेल, सिसोदिया के साथ आपके लिए अग्नि परीक्षा। आज फिर सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। सिसोदिया ने सीबीआई कोर्ट के आगे जमानत याचिका लगाई है। शुक्रवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज दोपहर बाद स्पेशल जज एमके नागपाल सुनवाई करेंगे। हिरासत खत्म होने पर आज सीबीआई सिसोदिया को पेश भी करेगी। जमानत के मामले में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। गिरफ्तार किए जाने से पहले सिसोदिया से रविवार को 8 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। अब सिसोदिया केजरीवाल की कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीते रविवार की तरह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकती है। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि पार्टी अपने सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। आम आदमी पार्टी इज फेसिंग वन ऑफ इट्स बिगेस्ट चैलेंजेस। वी हैव फेस्ड चैलेंजेस इन 2013, 2015। वी हैव फेस्ड सच थिंग्स, बट यस, दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अलग मोर्चे पर भी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी बीजेपी के प्रचार के खिलाफ जवाबी प्रचार मुहिम चलाएगी। आज पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय इस बारे में एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसका आधार ये भी होगा कि आज सिसोदिया के मामले में सुनवाई में क्या होता है। हम जनमत घर घर जाएंगे, जनमत लेंगे, लोगों से कहेंगे कि यार अगर आप सहमत हो इस बात से तो आप हमारा साथ दो। काउंटर स्ट्रैटेजी, काउंटर कैंपेन आप शुरू कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब से शुरुआत हो ये हम जल्द कर देंगे, 2-3 दिन में कर देंगे। एक तरफ केजरीवाल कर्नाटक में पार्टी के प्रचार की शुरुआत करेंगे तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी और खुद केजरीवाल की नजर अदालत की तरफ होगी, जहां सिसोदिया के मामले में आज अहम सुनवाई होगी। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। चलिए अब रुक करते हैं हिमांशु मिश्रा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज सिसोदिया की हिरासत खत्म हो रही है और ऐसे में दिल्ली में क्या गहमा गहमी, क्या कुछ माहौल बनते बिगड़ते देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अपने इनपुट है और सीबीआई से लगातार वो संपर्क में है। 26 तारीख को जब पूछताछ के लिए यहां पर सीबीआई ने बुलाया था, देखिए सीबीआई हेडक्वार्टर में 26 को रविवार के दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था पहली बार, और उस दिन भी देखा गया था कि जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले थे तो सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम दिल्ली पुलिस ने सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर के पूरे तमाम रूट पर किया था जिधर से सिसोदिया को आना था। और उसके बाद जब 27 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया सिसोदिया को, तो उस दिन दिल्ली पुलिस ने और ये इस पूरे इलाके को एक छावनी में बदल दिया था। आप देखिए, यहाँ पर ही बैरिकेड लगा दिया गया और तभी से अभी तक जो इस रोड पर आप देखिए ट्रैफिक आम पूरी तरीके से बंद है, दूसरी तरफ भी, और जो भी अंदर जा रहे हैं उनका आई कार्ड चेक किया जाता है और पुलिस की पूरी सिक्योरिटी रहती है। और अब आपको बता दें कि आज भी यहाँ पर आला अधिकारी अभी पूरे इलाके को समझ के गए हैं और किस तरीके से कि जो विरोध प्रदर्शन होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, उससे निपटने की तैयारी है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश करना है। आज जो रिमांड है 5 दिन की सीबीआई की, वो पूरी हो रही है, कोर्ट में पेश करना है, तो उसके लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं।
ठीक है मानशु, आप नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए खबर उत्तर प्रदेश के वही यूपी में आज एक बार फिर से बुलडोजर वाला वार होगा, प्रहार होगा, क्योंकि लगातार चौथे दिन माफिया के खिलाफ योगी स्टाइल में एक्शन की बारी है और तैयारी। आज उमेश हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल बमबाज और शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घरों का नंबर आ सकता है। विपक्ष चुन चुनकर मुस्लिम को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की पुलिस इन सबसे बेखबर अपने मिशन में जुटी हुई है। प्रयागराज के धूमनगंज में माफिया के शूटरों ने राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल को घेर कर इस तरह मार डाला था, लेकिन माफिया को इस बात की भनक नहीं रही होगी कि इस हत्याकांड के साथ ही प्रयागराज में माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। माफिया ने अपना काम कर दिया और अब योगी के बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। आज चौथा दिन होगा जब फिर योगी के बुलडोजर प्रयागराज में गरजेंगे। कहां होगा आज का एक्शन, ये जानने से पहले जरा बीते तीन दिन की तस्वीरों पर एक नजर डाल लीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यानी तीन दिन में खालिद जफर, अहमद सफदर अली और माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला। तीनों का नाता कहीं ना कहीं बाहुबली अतीक अहमद से था और तीनों के घर जमींदोज कर दिए गए। और इस कड़ी में आज बारी आ सकती है दो शूटरों की। वो शूटर जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में अहम रोल अदा किया था, इनमें से एक है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। वही गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल पर हत्या के दिन बड़े आराम से बेखौफ बैग से बम निकालकर बरसा रहा था। इसी के बमों ने धूमनगंज में दहशत फैला दी थी, ट्रैफिक को थाम दिया था, लेकिन आज इसी गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। दूसरा शूटर जो आज निशाने पर है और अपने किए का फल भुगतेगा वो है मोहम्मद गुलाम। उमेश पाल की हत्या के दिन गुलाम दुकान में घात लगाकर बैठा और अचानक दुकान से बाहर निकलकर गोलियां बरसाने लगा था। आज इन दोनों में से किसी एक के घर योगी का बुलडोजर दस्तक देगा। बुलडोजर तीन दिन से गरज रहे हैं। शुक्रवार को उमेश पाल हत्याकांड में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन हुआ था जब अतीक के करीबी मुजफ्फरुद्दीन के घर पर कार्रवाई हुई थी। मुजफ्फरुद्दीन वही है जो अतीक के पैसे का हिसाब रखता था। गुरुवार को गन हाउस के मालिक सफदर अली के मकान को बुलडोजरों ने निशाना बनाया था। शुरुआत में घर वालों ने गेट लगाकर विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन सरकारी सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। और बुधवार को एक्शन के पहले दिन बारी थी अतीक के करीबी खालिद जफर अहमद की। दो तरह के बुलडोजर बुलाए गए थे। योगी पहले ही विधानसभा में संदेश दे चुके हैं कि माफिया नेस्तनाबूद किया जाएगा, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। यूपी में एक तरफ प्रयागराज में एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मऊ में भी मुख्तार अंसारी के परिवार पर गाज गिर रही है। मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास और उमर के घरों पर शुक्रवार को बुलडोजर चले। लगता है कि सीएम योगी की विधानसभा से हुंकार को अफसरों ने भी समझ लिया है और एक्शन प्लान पर शिद्दत से काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस बीच फेक न्यूज को लेकर सीजीआई ने चिंता जाहिर की है। जी हां, उनका कहना है कि झूठी खबरों का शिकार हो गई है सच्चाई। फेक न्यूज पर बोले हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उनका कहना है कि झूठी खबरों का शिकार हो गई है सच्चाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय कोर्ट चलते रहे, कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा 7 दशक में बदलाव आया है, खुलापन बढ़ा है, लेकिन जो सोशल मीडिया है और जो फेक न्यूज है वो काफी चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर बढ़ते भरोसे पर यह चिंता प्रकट की है सीजेआई ने, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने।
और वहीं वाराणसी में बीएचयू प्रशासन के एक आदेश पर संग्राम छिड़ गया है। प्रशासन ने होली के दिन विश्वविद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने या म्यूजिक बजाने पर बैन लगा दिया है। छात्र इससे खफा है, नाराज हैं और अब वीएचपी ने इसको अलग रंग दिया है। उसका कहना है कि ये आदेश बीएचयू के नाम से हिंदू हटाने की साजिश है। भगवा रंगु लामो सब में गजब बाना जा रहा, भगवा रंगु लामो सब में गजब बाना जा रहा, चारों ओर ही गूंज रहा हलवा, जय श्री राम का नारा बोला, हाय हाय हे हा रा रा रा। बनारस में होली की धूम है। होली के पांच दिन पहले से ही होली का रंग जम गया है। हाल ये है कि गलियों चौराहों चौक से लेकर बाबा भोलेनाथ की नगरी के शमशान में होली के रंग दिख रहे हैं। हर कोई होली में मगन है, लेकिन इस मौके पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को जारी इस लेटर पर हंगामा हो चला है। चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह की तरफ से जारी लेटर में बीएचयू में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेटर में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर होली न खेले। सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर होली खेलना, हुड़दंग करना, संगीत बजाना पूरी तरह बैन है। ऐसा किया तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस चिट्ठी को लेकर छात्र छात्राओं में तो पहले से ही विरोध था, लेकिन अब इस विवाद में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो गई है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि परिसर में होली पर रोक लगाना एक तुगलकी फरमान है और ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द को हटाने की गहरी साजिश है। जिस विश्वविद्यालय के द्वारा इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था ऐसे त्योहार को, और सभी लोगों को मिलजुल करके, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, निर्धन हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनको साथ लेकर के इस त्योहार को और उत्साहपूर्वक मनाने का जो बीड़ा उठाना चाहिए था, वो विश्वविद्यालय ऐसे त्योहार को प्रतिबंधित कर रहा है। वहीं उसके पीछे एक तार में तो जाते हैं, लेकिन होली के नाम से घबराते हैं। कहीं कोई सेकुलर डंक, सेकुलर कीड़े का डंक न लग जाए। कुलपति जी, जिसने भी फरमान जारी किया उसके समेत आपको भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल, ना तो बनारस को इस लेटर से कुछ लेना देना है और ना ही छात्र छात्राओं को, जो अभी से होली के रंग में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत जारी है तो वही कर्नाटक में भ्रष्टाचार की नई तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक में चुनाव को 3 महीने से कम वक्त बाकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विधायक के बेटे के घर से मिले नोटों के बंडल ने कर्नाटक का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जिस वक्त कर्नाटक की फिजा में चुनावी माहौल छा रहा है, सियासी हमलों का दौर भ्रष्टाचार के आरोपों तक आ रहा है। ऐसे मौके पर नोटों की ये गड्डियां चौंकाने वाली है, सूबे के राजनीतिक ताप को बढ़ाने वाली है, क्योंकि आंखों को चमका देने वाले नोटों के ये बंडल बरामद हुए हैं बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के घर से। लोकायुक्त की टीम ने विधायक के घर और दफ्तर पर छापेमारी की और कुल 8 करोड़ की नकदी बरामद की। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त ने 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद टीम ने ये एक्शन लिया। When the office was visited, the concerned office of the accused was visited, so he demanded and accepted the money and he was caught red-handed. कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाकर इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त के इस एक्शन ने विरोधियों को बोमई सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। और अब 6 करोड़ रुपया नोटों की गड्डियां जिस प्रकार से उनके घर से मिली है, भाजपा के MLA, उनके बोर्ड के चेयरमैन गायब हैं, वो भगोड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री कहीं भाग गए हैं या चुप बैठे हैं, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं निरानी, वो दरवाजे के पीछे छुपे बैठे हैं और पूरे कर्नाटक को लूटा जा रहा है। 40-40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर। पेसीएम हो गए हैं, वहां पेसीएम का पोस्टर चल रहा है।
तो कर्नाटक में तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहा है कमीशन और रिश्वतखोरी से त्रस्त आके। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक पर लोकायुक्त का ये एक्शन ऐसे वक्त हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह खुद कर्नाटक के दौरे पर थे। बीदर की रैली में अमित शाह पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे थे, तो कांग्रेसी मौजूदा मुंबई सरकार को सबसे भ्रष्ट बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मोदी जी साफ सुथरा सरकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी बेंगलुरु आके ना मोदी जी ना शाह कभी भी साफ सुथरी सरकार की बात नहीं करे। 40% का हमने नहीं बोला है, ये कॉन्ट्रैक्टरों ने एसोसिएशन ने लिखकर प्राइम मिनिस्टर को दिया और ओपनली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कर्नाटक में चुनाव का मौसम आने वाला है और उससे पहले ये तस्वीरें बीजेपी को परेशान करने वाली है। इस बीच सीएम बोम्मई पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಉಧರ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾಯಕ ಬೇಟೆ ಕಿ ಗಿರಫ್ತಾರಿ ನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಿ ದಳೋಕೋ ಬ್ಯಾಠೆ ಬಿಠಾಯೆ ಬಡಾ ಮುದ್ದಾ ದೇ ದಿಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ ಪರ್ ಸಂಗ್ರಾಮ ತಯ್ ಹೈ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಗಯ್ ರಾಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಜ್ ತಕ್. भोपाल के एक स्कूल में नमाज को लेकर मजहबी विवाद छिड़ गया है. यहां के एक स्कूल में दो टीचर्स का क्लासरूम में नमाज करता वीडियो वायरल हुआ. इस पर हिंदू संगठन नाराज हो गए और प्रिंसिपल ने लेडी टीचर को नोटिस जारी कर दिया है. हिंदू संगठन कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो स्कूल में रामायण पाठ करेंगे. इस वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश में भूचाल ला दिया है. आप देख सकते हैं कमरा सूना है, छात्र छात्राएं क्लास से बाहर हैं, लेकिन इस खाली कमरे में नमाज अदा करने पर खलबली मच गई है. भोपाल के सीएम राइज स्कूल की इस शिक्षिका के खिलाफ हिंदू संगठन खड़े हो गए. टीचर जो है वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के टाइम में जो है बच्चों को बाहर कर दिया जाता है. संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है. इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. क्लासरूम में नमाज अदा करने के लिए दो लेडी टीचर की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही. हिंदू संगठन आग बबूला है ही. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नोटिस तैयार कर रहा है. राज्य के शिक्षा मंत्री ने जांच टीम पहले ही भेज दी थी. स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस रवाना कर दिया गया है. शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री तो खासे सख्त दिख रहे हैं. विभाग ने ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है. पूरे तथ्यों की जांच करके और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. स्कूल का जो टाइम है जो बच्चों के लिए होता है, उस टाइम में अपनी धार्मिक गतिविधि यदि करना है तो अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर करें, लेकिन स्कूल के टाइम पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि वहाँ करने का अधिकार नहीं है. आपको दिखा दें, ये वो जगह है जहाँ पे वो वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे स्कूल की जो टीचर हैं वो नमाज पढ़ रही हैं और इसी को लेकर के अब विवाद हो गया है. जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने दोनों शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किए हैं. कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया है. सीएम राइज स्कूल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इन स्कूलों की टक्कर प्राइवेट स्कूलों से होगी. सुना आपने, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि स्कूल की नींव के पीछे सोच और समझ क्या थी. इसे श्रेष्ठ स्कूलों में शुमार करने में लगी है और शायद यही वजह है कि नमाज के वायरल वीडियो ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी है. रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक. कुछ फैंस अपने पसंदीदा स्टार से मिलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसके बाद भले ही उन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े. मुंबई पुलिस ने दो लोगों को सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगले में बिना इजाजत घुसने के लिए गिरफ्तार किया है.
मुंबई के बांद्रा इलाके में समंदर किनारे स्थित है सुपरस्टार शाहरुख खान का यह आइकॉनिक बंगला मन्नत। मुंबई घूमने आए हर शख्स की ख्वाहिश होती है मन्नत के आगे सेल्फी लेने की। कभी भी मन्नत के सामने से निकलिए, हमेशा इसके सामने शाहरुख खान की एक झलक पाने की आस में लोग खड़े मिल जाएंगे। मगर सूरत से आए 19 और 21 साल के दो युवाओं पर शाहरुख खान से मिलने का जुनून कुछ ऐसा चढ़ा कि वो मन्नत की भारी दीवार को फांद कर सीधे मन्नत के अंदर जा पहुंचे। गनीमत रही कि उन्हें अंदर मौजूद गार्ड्स ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में गुरुवार को दो अनजान शख्स घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सुरक्षा गार्ड दोनों शख्स को पकड़ लेते हैं और उसे नजदीक के बांद्रा पुलिस के हवाले कर देते हैं। बांद्रा पुलिस दोनों शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 452/34 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गुरुवार को रात करीब 9:30 बजे 19 और 21 साल के दो युवक मन्नत की बाहरी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। सूरत के रहने वाले ये दोनों युवक मन्नत की तीसरी मंजिल तक जा पहुंचे। मन्नत के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने इन युवकों को पकड़ा तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि वो शाहरुख खान के फैन हैं और उनसे मिलने के लिए दीवार फांद कर अंदर आए हैं। इसके बाद मन्नत की सिक्योरिटी ने शाहरुख खान के स्टाफ को खबर दी और बांद्रा पुलिस स्टेशन को कॉल किया। पुलिस आई और दोनों आरोपियों को पकड़ कर ले गयी। पुलिस ने दोनों युवाओं को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दोनों से पूछताछ हुई। अभी तक पूछताछ में दोनों ने पुलिस को यही बताया है कि वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें नजदीक से देखने की इच्छा लिए मन्नत में घुसे थे। पुलिस ने दोनों लड़कों के परिवार की डिटेल ले ली है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस से भी एक बार चेक करेगी ये जानने के लिए कि कहीं इन दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। बांद्रा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख की गलवान घाटी से भारतीय सेना का वीडियो सामने आया है और तस्वीरों में न्यूनतम तापमान में यानी माइनस टेम्परेचर में भारतीय जवान पूरे जोश के साथ घोड़ों पर सवार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के इसी गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और उसी जगह आज भारतीय जवान हमारे गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बेहद ही गौरवान्वित महसूस कराने वाली करने वाली भारतीय जवान है ये घोड़ों पर सवार। तो ये गलवान के हमारे बलवान हैं, भारतीय जवान के ये शूरवीर योद्धा, जो इनकी वजह से हम सभी भारतवासी सुरक्षित होते हैं। ये सीमा पर डटकर मुकाबला करते हैं और किस तरह से सरहद की निगरानी कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, अपनी जान की भी फिक्र नहीं होती और हमारी हिफाजत करते हैं।